तो भाई साहब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्राहक कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि ग्राहक को कैसे पटाया जाता है, ग्राहक से किस तरीके की बात की जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन एक्सपेरिमेंट। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राहक को कैसे बनाए, इसके सिंपल से चार तरीके। हरामी हो बेटा। तो यही सब बातें आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्राहक को हम कैसे मना सकते हैं, ग्राहक को हमको किस तरीके से हैंडल करना है, ग्राहक पे हमें भरोसा कैसे बना के रखना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो भाई साहब सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए ग्राहक की उसमें सबसे अहम भूमिका होती है। लेकिन बिजनेस में ग्राहक को बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। आज के इस बढ़ते कंपटीशन में हमारे जो मतलब दुकानदार होते हैं सिर्फ प्रोडक्टों को बेचने में फोकस करते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो अगर बिजनेस चलाते हो तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अरे कहना क्या चाहते हो। तो भाई सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा ग्राहक से अच्छे रिलेशन कैसे बनाए। जब आपका ग्राहक आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो ग्राहक यह उम्मीद के साथ लेता है कि उसका प्रोडक्ट उसको लंबी सर्विस दे या उसके लिए वो फायदेमंद हो। इसीलिए आप कभी भी ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए कि वो प्रोडक्ट उस ग्राहक को पसंद ना आए, बल्कि ग्राहक जिस चीज को पसंद करता है उस ही हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाए। और सबसे मेन बात की और कभी भी कमीशन पर प्रोडक्ट ग्राहक को बेचने की कोशिश ना करें। इससे आपके जो ग्राहक है उनको ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, और ग्राहक को आप पे से उसका भरोसा उठ जाएगा और वह आपकी दुकान पर दोबारा खरीदी करने नहीं आएंगे। तो गाइस दूसरे नंबर पे आता है कि अधिक देने वाला वादा ना करे। अब अक्सर क्या होता है कि प्रोडक्ट बेचने वाला जो उद्योगी होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में सामने वाले को बोल देता है कि हाँ भैया ये एक साल नहीं दो साल गारंटी देंगे, वारंटी देंगे। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी जो हमें कंपनी से सर्विस अलाउ हुई है, या मान के चलिए हमें एक साल की सर्विस अलाउ हुई है, तो हमें एक साल की ही सर्विस ग्राहक को प्रोवाइड करना है, ना कि बढ़ाकर उसको दो साल की सर्विस प्रोवाइड कराना है। कोशिश करें कि आपके कस्टमर के साथ ऐसा संबंध बनाए कि वो बार बार आपकी दुकान पर आना पसंद करे। तो तीसरे नंबर पे आता है ग्राहक का फीडबैक लीजिए। तो कई बार क्या होता है कि उद्योगी यानी कि जो व्यापारी है वो प्रोडक्ट बेच तो देता है, लेकिन ग्राहक से ये पता नहीं करता है कि उसको वो प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं आया, और कहीं हमारे उस ग्राहक को हमारे प्रोडक्ट की वजह से समस्या तो नहीं आया। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमें ग्राहक से बार बार पूछते रहना है कि भाई आपको हमारे जो प्रोडक्ट हमने आपको बेचा है उससे आपको कोई समस्या तो नहीं है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आपके ग्राहक को ये लगेगा कि हमारा दुकानदार हमारे प्रोडक्ट को सही बेच रहा है और उसके बारे में बार बार डिटेल ले रहा है, यानी कि उसको ये लगेगा कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। इससे आपका जो ग्राहक है आपके दुकान पे बार बार आने लगेगा। सो गाइस कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद जय भारत।